बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को हम पढ़े थे और बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम मज़ीद जो बाकी ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया के सेल के अंदर रह गई थी उनको देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पे आपको एक फिगर नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपको एक बैक्टीरिया का जो सेल है वो अंदर से दिखाया गया है कि उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अगर आप इसको गौर से देखें, मैं अपने मार्कर को रेड से यहाँ पे शो करूँगी आपको, यहाँ पे बाहर एक मेम्ब्रेन जो है वो आपको कैप्सूल के नाम से शो की जा रही है, जिसको हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था। इसके अलावा इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है जो कि सेल वॉल है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। सेल वॉल के अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो आपको यहाँ दिख रही है, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखिए, आपको ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का एक फ्लूइड नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं, या हम इसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप इस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे डॉट्स देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये राइबोसोम्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो साइटोप्लाज्म, ये जो सेल वॉल थी, सॉरी सेल मेम्ब्रेन थी हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन की अंदर की साइड पे कुछ इन्वेजिलेशंस बनी हुई हैं जिसे हम कहते हैं मेसोसोम्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको गौर से देखें, हमारे पास एक कैप्सूल और एक सेल सेल वॉल है, ठीक है। कैप्सूल और सेल वॉल के दरमियान में एक और लेयर भी समटाइम्स पाई जा सकती है, जिसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फ्लैजलम है, ठीक है, फ्लैजला जिसे हम कहते हैं, और हमारे पास पिलाए है, पिलाए को भी हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। और दरमियान में अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है, हम इसे क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम भी बैक्टीरिया के सेल के अंदर पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है और इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये जनरल ओवरव्यू है बैक्टीरिया के सेल का या इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स का, इनको वन बाय वन हम देखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी सा इसका जिक्र किया था, हमने कहा था कि सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ है? इट लाइज बीनीथ सेल वॉल, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम बेसिकली ये होता है कि इसने सेल को प्रोटेक्ट करना होता है और इसने बहुत सारी चीज़ों को सेल के अंदर से बाहर लेके जाने में हेल्प करना होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एक थिन सी लेयर होती है, थिन फ्लेक्सिबल, और इसके इर्द गिर्द जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए हम कहते हैं इट्स अराउंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अराउंड चारों तरफ जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये क्या है? ये बहुत ही डेलिकेट होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी डेलिकेट इन नेचर, इतनी डेलिकेट होती है कि अगर इसमें कोई इश्यू आ जाए, लाइक अगर ये डैमेज हो जाए तो इससे पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया की डेथ भी कॉज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को देख रहे हैं तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट है फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। और वो किस तरह से डिफरेंट है? डिफरेंट इस तरह से है कि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह यानी कि स्टीरोल्स पाए जाते हैं, तो जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है कि इट लैक्स स्टीरोल्स। और स्टीरोल्स में यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कोलेस्ट्रॉल को देख लेते हैं कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देख लिया। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन का बैक्टीरिया के अंदर क्या फंक्शन है, क्या रोल है जो कि प्ले हो रहा है यहाँ पे, तो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के दो फंक्शंस हैं। पहला काम तो ये है कि इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, ठीक है, रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, डिफरेंट चीज़ें जो सेल मेम्ब्रेन से एक सेल के अंदर या बाहर जा रही हैं तो सेल मेम्ब्रेन उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। हम कहते हैं रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और शुगर एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा इसमें कुछ मेटाबोलाइट्स भी आ जाते हैं, एंड मेटाबोलाइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट मटेरियल जो है वो पास करता है तो वो उसको रेगुलेट करिए सेल मेम्ब्रेन। अच्छा,
दूसरी जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो क्या है कि इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स कहाँ क्या करते हैं, दे आर यूज़फुल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया सेल मेम्ब्रेन को। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और ऑर्गेनेल को देख लेते हैं जो कि है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, अब अगर इस फिगर के अंदर आप इसको देखें, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हमने किसे कहा था, हमने कहा था कि जो ब्लू सा आपको यहाँ पे मटेरियल नज़र आ रहा है ये है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, साइटो हम जैसे प्रोकैरियोटिक सेल को वन बाय वन इसकी ऑर्गेनेलिस को देखते जा रहे हैं, हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिक तो है नहीं, ठीक है। अब जब हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर ना तो कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, और ना ही इसके अंदर साइटोस्केलेटन है जो कि आमतौर पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर होगा क्या, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बेसिकली हम इसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान में पाई जाती है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो भी मटेरियल होगा उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये किससे मिलके बने, ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि सेल के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो या जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो ईजिली मूव कर सकें, ठीक है। तो यही वजह है कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ईजिली बहुत ही रैपिडली इसके अंदर मूव करते हैं। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो कुछ भी होता है उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लस इसके साथ साथ एवरीथिंग दैट इज विद इन इट, एवरीथिंग विद इन लिख देते हैं इसे हम, जो कुछ भी उसके अंदर है उस पूरे को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट को अगर हम कंसीडर करें तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो प्रोटोप्लास्ट का एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट सेल के अंदर की तमाम चीज़ें प्रोटोप्लास्ट का हिस्सा हैं, तो इसलिए साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है प्रोटोप्लास्ट का। कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर, और वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं, हम इनको अदर स्ट्रक्चर मेंशन कर देते हैं, अदर स्ट्रक्चर्स, और वो अदर स्ट्रक्चर्स क्या हैं। कुछ और स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास एक तो क्रोमेटिन आ जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल, इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, मेसोसोम्स, ग्रैनुल्स और न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये जो ग्रैनुल्स हैं दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं एक इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं बेसिकली जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं, इनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियोइड को, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि एक सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है पाया जाता है, और उसका काम क्या होता है, हम उसे कहते हैं कि वो ब्रेन ऑफ सेल भी है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या आरएनए पाया जाता है, और वो डीएनए और आरएनए क्या करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। अब जब हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल जो है इट लैक्स, बैक्टीरियल सेल लैक्स क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। तो अब जो ये चीज़ें नहीं हैं तो जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे कि हमारे पास डीएनए या आरएनए है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, वो
स्कैटर्ड होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि डीएनए इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल, कहाँ है, सेंटर ऑफ सेल में है, सेल के दरमियान में है, लेकिन ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है इसको अगर हम मज़ीद डिटेल में देख लें कि किस तरह का डीएनए है, हम कहते हैं कि नॉर्मली बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, और इस डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, विद टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। इस तरह का एक डीएनए जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। और डीएनए के किस फॉर्म में होता है, बेसिकली एक लंबा सा, एक लॉन्ग सा डीएनए होता है, और वो डेंस इरेगुलर शेप का, डेंस शेप का पाया जाता है, और वो इकट्ठा होता है, एग्रीगेट सा हुआ हुआ होता है, जिसको हम कलेक्टिवली हम इसे कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। यानी कि लार्ज सा डीएनए है हमारे पास, और वो लार्ज डीएनए जो है वो टाइटली फोल्ड हुआ हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसको फिगर में दोबारा से देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कुछ नूडल टाइप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये क्या है, लार्ज डीएनए है जो कि टाइटली फोल्ड हुआ हुआ है और सेल के दरमियान में है। ओवरऑल बैक्टीरियल सेल की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सिंगल क्रोमोसोम है, और जब सिंगल क्रोमोसोम होता है तो हम उसे कहते हैं कि क्या है, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल इज हैप्लॉइड, ठीक है, यानी सिंगल क्रोमोसोम है इसके अंदर। तो हमने देख लिया न्यूक्लियोइड को। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड जो है उसे हम कहते हैं, नॉर्मली हमारे पास क्रोमोसोम के साथ प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड भी बैक्टीरिया सेल का एक पार्ट है। किस बहुत कम ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड है, हर बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं होता। और ये क्या है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सा स्ट्रक्चर होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। और ये है क्या, बेसिकली ये सर्कुलर डीएनए होता है हमारे पास, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि क्रोमोसोम और डीएनए और प्लाज्मिड्स दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम प्लस प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा, अब इसका काम क्या है, ये ग्रोथ वगैरह के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल नहीं होते, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं कि दे आर नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। और इनका काम क्या होगा, अगर ग्रोथ में नहीं है, मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल नहीं है, तो फिर क्या काम है इनका। काम यह है कि ये इनके अंदर ड्रग रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी है, ठीक है। यानी कि अगर इनके अंदर कोई जर्म्स आ जाएँ या कोई ड्रग्स जो इनके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, तो प्लाज्मिड क्या करते हैं कि वो उनके खिलाफ एक्ट करते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का आप कह सकते हैं कि रिंग रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सर्कुलर डीएनए है। और इसका काम क्या होता है, नॉर्मली जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं प्लाज्मिड्स को। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि ये एक वैक्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स है उसके अंदर प्लाज्मिड यूज़ होते हैं बैक्टीरिया के, और वो इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो ये हमने देख लिया प्लाज्मिड को। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास और है, या ऑर्गेनेली है, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि हम कहते हैं कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी है, आरएनए एंड प्रोटीन्स। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये दे आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर जब भी प्रोटीन बन रहा होता है वहाँ पे राइबोसोम्स हेल्पफुल होते हैं। अब राइबोसोम जो है कुछ तो अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सम अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाकी जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और इन राइबोसोम्स को अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ कंपेयर करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है, ठीक है, दे आर स्मॉलर इन साइज। एक सेल की जब हम बात करते हैं, एक बैक्टीरियल सेल की, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की, तो हम कहते हैं कि एक सेल, वन सेल कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एक सेल के अंदर।
फिगर के अंदर हम अगर एक दफ़ा अगर इसको देख लें, यहाँ पे आपको ये जो डॉट 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 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया राइबोसोम्स को। इसके बाद एक और ऑर्गेनेली जिसको हमने अपने स्ट्रक्चर में देखा था उसे हमने कहा था मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या है? मीजोसोम्स भी सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेली है। तो हर सेल के अंदर नहीं होती, कुछ सेल्स के अंदर पाई जाती है। ये क्या है? बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जब इन्वेजिनेट करती है तो मीजोसोम्स हमारे पास बन जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको देखें, यहाँ पे हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट करी है, यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे हम कहते हैं मीजोसोम, ठीक है। अब मीजोसोम का क्या फ़ायदा है, मीजोसोम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं। मीजोसोम जो है वो एक वेसिकल नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास गोल्जी बॉडीज बन जाते हैं, ठीक है। तो उससे मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है मीजोसोम। और इसका काम क्या है, ढेर सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं इसकी। एक तो ये कि इट इज़ इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट भी ये करता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। कुछ एंजाइम्स जिन्होंने सेल से बाहर जाना है तो वो क्या करेंगे, विद हेल्प ऑफ मीजोसोम्स वो सेल से बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि मीजोसोम्स के साथ पाए जाते हैं, यानी कि मीजोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी enzymes are present on mesosomes, ठीक है। सॉरी मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी हो रही है, बट ये हमने देख लिया mesosomes को। अच्छा, एक लास्ट ऑर्गेनेली जिसकी हमने अपने पहले भी बात की थी अपने लेक्चर में, वो क्या है, वो है ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स एंड स्टोरेज बॉडीज हम इसे कह देते हैं। अच्छा, ग्रैनुल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़ क्या है? बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक तो फूड को स्टोर करते हैं और दूसरा उसको एक्सक्रीट करने में, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली ऐसे ऐसी कंडीशंस में पाया जाता है जहाँ पे उसको फूड जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो बैक्टीरिया की ये कोशिश होती है कि वो फूड को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर ले, और स्टोर करने के लिए कुछ ऑर्गेनेल्स या कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इसको तो पहले एक तो पहली बात हम लिख लेते हैं कि बैक्टीरिया स्टोर्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को बैक्टीरिया जो है वो स्टोर कर लेता है। अच्छा, अब वो स्टोर किस तरह से करता है? स्टोर जो है ग्लाइकोजन को कर लेगा, सल्फर या फिर फैट या फॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरह से वो फूड को स्टोर करें। अच्छा, ये तो हमने फूड की या स्टोरेज की बात कर ली। अब जब हम वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा बैक्टीरिया के केस में? वेस्ट जो है वो क्या होता है, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये वेस्ट मटेरियल है जो कि स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके इस बैक्टीरियल सेल से बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिए कुछ ऑर्गेनेल्स, इनको आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ी। सबसे पहले तो हमने बैक्टीरियल सेल को देखा कि बैक्टीरियल सेल किस तरह का होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, कैसी दिखती हैं। फिर उनको वन बाय वन हमने देखा, सेल मेम्ब्रेन की हमने बात की, फिर हमने साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की या साइटोप्लाज्म की बात की, उसके बाद फिर हमने न्यूक्लियोइड को देखा, प्लाज्मिड को देखा, राइबोसोम्स को देखा और मेसोसोम्स को देखा, फिर हमने ग्रैनुल्स की बात की। तो ये थी बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाली तमाम ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैक्टीरिया के डिफरेंट फंक्शंस को देखेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया।